मजाक कब आता है कि सामने वाला भी कभी हो और आप भी कभी हो तो उनके बीच में क्या तुकबंदी होती है। तो एक ने कभी लिखा था कि सुनो तुमने पूछा था ना प्रेम वो था जो मैं तुमसे पा ना सकी, तो चार शायरियों में मैंने उसे जवाब दिया था सुने के कि प्रेम वही था जो सिर्फ तुमसे किया और मीर जैसा विष प्याला हमने भी पिया और राधा भी रही थी कृष्ण बिन अधूरी सदा, कि राधा भी रही थी कृष्ण बिन अधूरी सदा और एक हम थे जिसने सिर्फ तुम्ही को जिया। सुने के अगला है कि प्रेम वही था जो तुम्हें दिखा ही नहीं और साथ हम थे मंजिल और कोई और खुद के भी नहीं थे तुम्हारे हो गए थे, कि खुद के भी नहीं थे तुम्हारे हो गए थे एक तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। और हाँ प्रेम किया था, हाँ प्रेम किया था जिसे तुम पा ना सकी और जाने क्यों हमारे रिश्ते की अवधि घटी और प्रेम एहसास ही है समझने का दूजो को और जो अपना था तुम उसे अपना ना सकी, अपना ना सकी। क्या होता है कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं और जब वो सेपरेट हो जाते हैं मतलब अलग हो जाते हैं तो सामने वाला सोचता है कि पहले वो शादी कर ले ताकि इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आए कि मैंने शादी तुम्हारे इंतजार में नहीं की और तुमने पहले शादी कर ली। तो मैंने इस पे लिखा था कि हिंदी के तुम छंद की जैसी मैं भाषण सा बेचारा और तुम तितली के पंखों जैसी मैं गलियों का आवारा और कैसे मेल मिले अब तो दोनों ही पागल हैं देखो, वो शादी करती नहीं किसी से मैं बैठा हूँ कुवारा, वो शादी करती नहीं किसी से मैं बैठा हूँ कुवारा। कि अब सुने के मैंने लिखा था कि सब लोग राधा कृष्ण की बातें करते हैं राम सीता के प्रेम की बातें करते हैं, मैंने एक अलग कोशिश की है यहाँ पे एक अलग प्रेम दिखाने की कोशिश की है कि सब राधा कृष्ण की बातें करते हैं, एक जो मैंने प्रेम ढूंढ के लाया हूँ अगर आपको वो अच्छा लगे तो तालियों का साथ मिले। मुझे लगता है कि आप सब लोग ठंडे पड़ चुके हैं, पता नहीं एसी की एसी कुछ ज़्यादा चल गया है इसे थोड़ा ठीक कर दो। कि प्रेम प्रेम कहते रहे प्रेम कोई करता नहीं, प्रेम के नाम पे ना खुद को झूठ लाइए और आज का है प्रेम कैसा रोज रोज नया होता, कि गुजरे जमाने वाला प्रेम करके दिखाइए। कि गुजरे जमाने वाला प्रेम कौन सा था कि नैनन से मृग नैनी चांद के स्वरूप जैसी दूध जैसी राधा को कृष्ण सावरे भा गए और मंद मंद मुस्काने धनुष पर प्रत्यंचा ताने कि राम जी जानकी को अयोध्या लेके आ गए। और कैसा प्रेम होना चाहिए वो सुने कि प्रेम राम सीता सा या राधा कृष्ण जैसा यहाँ प्रेम को समझिए और उसमें डूब जाइए और 14 वर्ष दूर रहे तनिक प्रेम ना कम हुआ कि लक्ष्मण उर्मिल सा प्रेम करके दिखाइए, कि लक्ष्मण उर्मिल सा प्रेम करके दिखाइए। प्रेम पे कविताएं बहुत हो गई। अब मैंने एक कविता लिखी थी कि पत्थर जो होता है लोग कहते हैं कि जो पत्थर छेनी हथौड़े की मार सह जाए वही आपका मतलब भगवान या मूर्ति बन सकता है, मगर पत्थर क्यों टूट जाता है वो मैंने इसमें लिखा है कि मैं ईश्वर की मूरत होता मार जरा थोड़ी सह लेता, मैं पत्थर पर्वत पर रहता एक अधर पर मैं पलता था, दूर कहीं परदेश न जाऊं ऐसा मैं बोला करता था और जाने कौन उठा लाया था क्या क्या मैं किससे कह देता, मैं ईश्वर की मूरत होता मार जरा थोड़ी सह लेता। कि पत्थर से पर्वत से जब बाहर निकला हाथ पड़े मुझ पर अनजाने और नदियों की ठोकर में जीते छेने की ठोकर क्या जाने और मुख जो मेरा कुछ कह पाता बिछड़न की गाथा कह देता और मैं ईश्वर की मूरत होता मार जरा थोड़ी सह लेता। अब वो क्यों टूट जाता है ये पंक्तियां हैं इसमें कि पहली चोट सही थी थोड़ी आगे की कैसे सह पाता और बिछड़न खुद को काट रही थी छेनी से कैसे कट जाता, बिखर गया खुद की यादों से दोस्त भला किसको कह देता, मैं ईश्वर की मूरत होता मार जरा थोड़ी सह लेता। कि मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ा लिखा हूँ, लोग अपने प्रेम की कहानियाँ सुना रहे हैं, मगर मेरी जो शिक्षा हुई है शिशु मंदिर भैया वहाँ पे बहने नहीं थी ठीक, फिर मैं विद्या मंदिर और फिर गुरुकुल कांगड़ी जहाँ लड़कियों का नामो निशान नहीं है, तो मैंने दूसरों से गम उधार लेके अपनी कहानियाँ लिखी हैं अपनी कविताएं लिखी हैं ठीक है। उनमें एक कविता है कि जो सिंह द्वार जो हरिद्वार के लोग वो जानते होंगे कि सिंह द्वार के आसपास का एरिया, तो मैंने तब लिखी थी कि मन में है सवाल खुद से दिल हैरान सा, दिल है खाली खाली देह खाली खाली सा और रोज शाम को मिली थी गलियां हैं वहीं याद ही बची है सारी साथ तुम नहीं,
घाट घाट भी यही है गंगा बह रही, और दीप भी लिए खड़ा हूँ दूर तुम रही। बात साफ साफ है मन उदास सा, दिल है खाली खाली दे खाली खाली सा। जब सिंह द्वार से आप आगे की तरफ को जाएंगे तो वहाँ पे गोलगप्पे और चाट मिलती है, तो वो साथ साथ खाया करते थे। तो सुनिएगा कि क्या लिखा था उस पर, कि चाट वाला कह रहा है पापड़ी कह रही, वे वजह ही खा रहे हो दूर बह गई। पुस्तकें मिली तुम्हारी इच्छा ना रही, ढाई आखर प्रेम का वो कैसे पड़ गई। याद 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 है मन उदास सा, सब है खाली खाली दे खाली खाली सा। और अंतिम शेर मैं कह के विदा लूंगा कि अक्सर अक्सर ठोकरे खाया करता हूँ, खुशियां जक्ष से चुराया करता हूँ, और कोई मेरा मुझे उदास ना देख ले, कि कोई मेरा मुझे उदास ना देख ले, इसलिए मैं हर पल मुस्कुराया करता हूँ, मैं हर पल मुस्कुराया करता हूँ। धन्यवाद।